जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी सागर बांध से पानी सही समय पर छोड़ा गया, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान गांधी सागर बांध के पानी को लेकर झूठ बोलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एमपी न्यूज की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आई बाढ़ पर शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर कमलनाथ सरकार आक्रामक हो गई। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस की प्रदेश मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा और उपाध्यक्ष अभय दुबे के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि गांधी सागर बांध से सही समय पर पानी छोड़ा गया है, इसमें कांग्रेस सरकार की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस सरकार की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से झूठा षड्यंत्र कर रहे हैं कि भाजपा के सदन से पर्दा उठा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हुए बेनकाब, और ये इसलिए हुए कि ये लगातार ये कह रहे हैं कि गांधी सागर डैम में जो पानी भरा उसमें सरकार ने और सरकार के प्रशासन ने वहाँ पर उचित समय पर उचित कदम नहीं उठाए। आज सेंट्रल वाटर कमीशन का एक दल गांधी सागर बांध में अभी भी है, जब हम लोग ये आपसे प्रेस पे बात कर रहे हैं, और इसमें बड़े बड़े ऑफिसर इंजीनियर्स सब हैं इसमें, जो जायजा लेने के लिए आए हैं। और गांधी सागर बांध में जो लोग आए हैं, जो दल आया है दिल्ली से, इस दल में हरकेश कुमार डायरेक्टर गेट्स सेंट्रल वाटर कमीशन नई दिल्ली, विवेक त्रिपाठी डायरेक्टर सीएमडीडी सेंट्रल वाटर कमीशन, और गुलशन राज चीफ इंजीनियर डैम सेफ्टी सेंट्रल वाटर कमीशन मौजूद हैं। और इस दल ने बांध पर निर्मित परिस्थितियों को देखकर मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग की प्रशंसा की है कि आपने बहुत अच्छे कदम उठाए, अगर ये कदम आप नहीं उठाते समय पर तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी जो षड्यंत्र कर रहे थे उसका पर्दाफाश हुआ है, बेनकाब हुए, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार का दल जो अधिकारी और इंजीनियर्स का है वो सीधे सीधे कह रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और मैं ये बताना, शर्मा ने कहा कि सेंट्रल वाटर कमीशन का एक दल गांधी सागर बांध की बीते दिनों की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए बांध स्थल पहुंचा। इस दल ने बांध पर निर्मित परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग की तारीफ करते हुए इस बात को अभिप्रमाणित किया कि सरकार ने गांधी सागर बांध पर बने बाढ़ के हालात को बेहतर तरीके से संभाला। पीसी शर्मा ने कहा केंद्रीय दल ने प्रथम दृष्टया मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के निर्णय को सही ठहराया और इस तरह से श्री चौहान दुष्प्रचार के अपने षड्यंत्र में बेनकाब हो गए। और इस तरह से अगर हम देखें प्रथम दृष्टया मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के निर्णय को सही ठहराते हुए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दुष्प्रचार का षड्यंत्र बेनकाब हुआ है। इसमें जैसे ही गांधी सागर में 1312 फीट के लगभग है ना 1310.2 लेवल पहुंचा तो 19 में से 16 गेट खोल दिए गए और पानी उसमें से बाहर निकला, और इस कम समय में इतनी पानी गिरा है कि 3.5 लाख क्यूसेक से बढ़कर लगभग शाम 7 बजे तक 16 लाख क्यूसेक, मतलब 4 डैम भर सकते थे, इतना पानी गिरा है, 4 डैम भरे जा सकते थे। उसको निकालना पानी को और उसके साथ ही लोगों की राहत पहुंचाना, 45 से 50 हजार लोगों को एक जगह से वहां सेफ जगह पे लेके गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कंट्रोल रूम अपने निवास पे बुला, सभी अधिकारी उनसे बात कर रहे थे, हमारे मंत्री हुकुम सिंह गराड़ा वहाँ पर मौजूद थे, कलेक्टर और जितने भी प्रशासन का हमला है इंजीनियर्स एनवीडीए के ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और मैं समझता हूँ इसीलिए केंद्र के सरकार के दल ने इस बात की तारीफ की है। इस पूरे दौरान 8000 MCM पानी बांध से निकाला गया है, जबकि गांधी सागर बांध की कुल क्षमता 6600 MCM की है। ये निश्चित तौर पर ये के जो इंजीनियर्स हैं
उनका कमाल था, जो जिन्होंने बहुत तन्मयता से और बहुत ही पूरे सेफ्टी लोगों की, वो गांव के निवासियों की, हमारे किसान भाइयों की, इसके लिए पूरा दम लगा दिया। पीसी शर्मा ने बताया कि गांधी सागर बांध के कैचमेंट एरिया में 13-14 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश हुई, जिससे 8 घंटे में ही गांधी सागर बांध की 12 में से 9 रेन गेज साइट पर 4 घंटे में ही 100 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश दर्ज की गई। कुछ जगहों पर तो 300 मिलीमीटर तक पहुंच गई। चूंकि प्रशासन सचेत था, इसलिए गांधी सागर बांध के फुल रिजर्वॉयर लेवल से पहले ही 16 गेट खोल दिए गए थे। 16 गेट खोल दिए गए और पानी उसमें से बाहर निकला, और इस कम समय में इतनी पानी गिरा है कि 3.5 लाख क्यूसेक से बढ़कर लगभग शाम 7 बजे तक 16 लाख क्यूसेक, मतलब 4 डैम भर सकते थे, इतना पानी गिरा है। 4 डैम भरे जा सकते थे, उसको निकालना पानी को, और उसके साथ ही लोगों की राहत पहुंचाना, 45 से 50 हजार लोगों को एक जगह से वहां सेफ जगह पे लेके गए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कंट्रोल रूम अपने निवास पे बुला, सभी अधिकारी उनसे बात कर रहे थे, हमारे मंत्री हुकुम सिंह गराड़ा वहां पर मौजूद थे, कलेक्टर और जितने भी प्रशासन का अमला है, इंजीनियर्स एनवीडीए के, ये सब वहां पर मौजूद थे। और मैं समझता हूँ इसीलिए केंद्र के सरकार के दल ने इस बात की तारीफ की है। इस पूरे दौरान 8000 MCM पानी बांध से निकाला गया, जबकि गांधी सागर बांध की कुल क्षमता 6600 MCM की है। ये निश्चित तौर पर ये के जो इंजीनियर्स हैं उनका कमाल था, जो जिन्होंने बहुत तन्मयता से और बहुत ही पूरे सेफ्टी लोगों की, वो गांव के निवासियों की, हमारे किसान भाइयों की, इसके लिए पूरा दम लगा दिया। मध्य प्रदेश में 52 जिलों में से 36 जिले अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश की 385 तहसीलों में से 186 तहसीलों अर्थात 8000 गांवों में अत्यधिक वर्षा से नुकसान हुआ है, और प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर में बोई गई फसलों का नुकसान हुआ है, जिससे 22 लाख किसान इसमें प्रभावित हुए हैं, जो छोटे और मध्यम वर्ग के लगभग 15 लाख और बड़े जो किसान हैं 16 लाख इससे प्रभावित हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे का आकलन करें हम तो जो असेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है 11,881 करोड़ का, जो हमारी मांग है। कुल मिलाकर बाढ़ को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।